भी कैसा है यार, कोई आराम ही नहीं। अरे बाप रे, मर गया मर गया। अरे अरे अरे, अरे, अरे। अजीब पागल मरीज है, इसे इंजेक्शन दिया भी नहीं और चिल्ला के चला गया। मेरी समझ में नहीं आता ये गांव वाले मुझे इंजेक्शन लगाने क्यों नहीं देते। नेक्स्ट। राम राम तोला राम। है ये क्या बदतमीजी है, राम राम सिया राम कहा जाता है और तुम राम राम तोला राम कह रहे हो। नहीं नहीं, राम राम हम आपको कह रहे हैं और तोला राम हम अपना नाम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बात है। अच्छा बताओ कि तकलीफ क्या है। बहुत वाहिया तकलीफ है साहब। जरा हाथ दिखाओ। उल्टी जुलाब होते होंगे। हट, उल्टी जुलाब तो बच्चा लोग करते हैं, हमको उल्टी जुलाब होगा। बहुत ज्यादा कपकपी होती होगी, बदन ऐसे कांपता होगा जैसे चिपकली की कटी दुम। अरे नहीं, कहाँ कटी हुई दुम हिला रहा, कोई दुम नहीं हिलती यार। अच्छा अच्छा तो क्या बीमारी है बताओ तो। शर्म आती है साहब। गुप्त रोग है। हट, क्या गंदी गंदी बात करते हो, तेरी माँ बहन नहीं है का? सुनो। अरे नहीं बाबा, है सब है का, ऐसी बात नहीं करो यार। अरे फिर अपने मुंह से बताओ ना क्या बीमारी है। तो बताते हैं, हमरे वहां तकलीफ है। हाँ? आंखों में। जैसे ही 12 बजते हैं ना तो हमारी आंखों में एक्सरे मशीन लग जाती है और हमको सामने वाला एकदम नंगा दिखाई देने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हें सब लोग नंगे नजर आते हैं। अच्छा मजाक है। अच्छा नहीं है, मजाक नहीं है, क्या बात करते हो साहब। ये हमारी खानदानी बीमारी किताब में कहाँ ढूंढ रहे हो, किताब में थोड़ा ही मिलेगा, हमारी जबान में मिलेगा। अच्छा अच्छा, अब बताओ तुम्हें क्या होता है। अरे साहब, हमारी तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही 12 बजता है ना तो हमारे सामने जो आदमी खड़ा होता है उसके खट 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 एक एक करके सब कपड़ा गायब हो जाता है। अब जैसे आप अभी 12 बजे अगर आप हमारे सामने खड़े रहें तो आपका ये कोट, ये कमीज, ये पतलून सब गायब हो जाएगी और आप हमको खाली चड्डी में दिखाई देंगे, वो भी अगर आपने पहनी हो तो। वेरी गुड जोक, वेरी गुड जोक, आई लाइक इट, आई लाइक इट। अरे सुनो भाइयों, ये नया मरीज आया, इसकी आंखों में एक्सरे लगा है, कहता है 12 बजे इसे सब लोग नंगे नजर आते हैं। नंगे। अरे नीचे क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी तरफ क्या देखो, फटी हुई चड्डी पहन के खड़े हो, बोलते मेरी तरफ देखो। फटी हुई और क्या, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने फटी चड्डी पहनी है। तुमने पीली चड्डी, नीली और पीली धाड़ी वाली नहीं पहनी हुई है। इसको कैसे पता चला, मैंने पहले बोला। आंखें बंद कर लो। नहीं नहीं, आंखें बंद करूंगा तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर चड्डी भी गायब हो जाएगी, पूरे नंगे दिखाई दोगे। अरे बाप रे, आंखें ढक लो ना हाथों से। अगर हाथों से आंखों को ढकूंगा तो मेरे को दीवार की उस तरफ का दिखाई देगा। दिखाऊं? क्या हुआ? छी 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 छी, तोबा तोबा तोबा, डॉक्टर साहब आपके पास जहर है? क्यों? मैं फौरन पी लो एक गिलास। नहीं लेकिन क्या हुआ? उधर है ना आपका कंपाउंडर, आपकी बीवी को है ना? अच्छा अच्छा, वो पप्पी बोरी है कलाइयां पहना दो तुझे हरी हरी चूड़ियां। अबे अबे तेरे तो मैं तुम्हें नौकर लगा दो तुझे नाले। अबे मेरी बीवी के लिए तुझे पहना रहा था। मैंने सही कहा था ना? तुमने बिल्कुल सही कहा था, इसका मतलब हम सब नंगे हैं। अरे पूरे नंगे दिखाई दे रहे हो। हे भगवान, ये हमारा बाप कैसा नंगों का खानदान पैदा कर दिया है। एक भाई को नंगा देखने की बीमारी है तो दूसरे भाई को नींद में चलने की बीमारी है। भागत कहाँ है हरामखोर? अरे क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? अरे दादा दीन काहे मार रहे हो बेचारे को? अरे मारने दो, तोरे बाप का काय है? वैसे दादा दीन, इसने किया क्या था? अरे लाला किया क्या था? किया ये था कि हमारी बीवी से लिपट लिपट के चुम्मा ले रहा है। तो नींद में हम उठ गए, खटका भाया, वरना हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। अरे अरे, हम कहते हैं माँ जूता लेके उसमें घोड़ा के नाल लगा के गपा गप मार मार के उसका टकला तला सुझाई दो, ये हमारी नाक कटवाए के गांव में फेंकवाई देगा। अबे तोले तोले, तू जो हर रोज 12 बजे पनघट पर नजारा करता है, वो तो हम बीमार हैं। हाँ, बीमारी का मजाल उठता है, उससे क्या खानदान की नाक लंबी हो जाती है? क्या हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे उस दिन 12 बजे तू उस मुरली की बीवी को नहीं देख रहा था? हे भगवान, अरे बुरा हो इनके बाप का। बिजली लुट गई, बिजली लुट गई, लुट गई। अरे कौन लुट गई, कौन लुट गई, कौन लुट गई, कौन लुट गई? बिजली लुट गई। कहीं रात को सोते में तूने तो नहीं लूट लिया? नहीं, मैं रात भर उसकी तरफ देखकर जाग रहा था।
तूने तो नहीं लूटा? नहीं, मैं तो रात को आंखों के डॉक्टर की मैयत में गया था। फिर किसने लूटा? चल 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 के पूछते। अरे चुप रहो, मैं लूट गई। अरे मतलब लूटा किसने, बताएगी भी? सबने लूटा, सबने लूटा। तुम? अरे राम राम, मैंने कहा लूटा भैया? मैंने भी नहीं लूटा भैया, मैंने नहीं लूटा। सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी तो तकदीर ही खराब है। यहाँ लूट मार मची थी, हमको पता ही नहीं चला। का गाँव वालों ने लूटा? नहीं, हमारे साथियों ने लूटा ना। फिर का लूटा? हमरा पूरा पैसा लूट लिया ना। पैसा लूट लिया? अरे तोरा सत्यानाश हो। हमरा भाई कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। हम कहाँ जाए, कहाँ रहे? हमरे घर में आ जाओ, हमरे घर में। बहुत जगह है, बहुत जगह है। नहीं, वो भैंस भैंस के पिछवाड़े नहीं। बेटी, आज से तुम हमारे गांव में रहोगी और ये सब गांव वाले मिलके तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। दिखता नहीं का? तो देख के खड़े रहो, गिर रहा है। किसका दरवाजा उठा लाए? अपने भाई के कमरे का दरवाजा उखाड़ लाए। काहे? काहे कि उसको रात को नींद में चलने की आदत है ना। हाँ। रात बिरात उठता है, जाके दरवाजे से टकराता, भड़ से गिर के जमीन चाटने लगता। एक दिन तो ऐसे टकराया कि उसका मुंह जो है बिल्कुल तकिया के भांति चपटा हो गया। पता नहीं चला कि उसका मुंह कहाँ है, उसकी आंख कहाँ है, उसकी नाक कहाँ है, इसलिए वो उखाड़ लाए। अच्छा किया। छत भी ले आए? नहीं नहीं, तो कोई काम तो दो। अरे अब हम तुमका का काम दे? कई लोग कटिया जाड़ा लगे। ये किसकी कटिया उठा लाए? कटिया भाई की। तो ये, अरे तो ये कहाँ सोएगा? कौन? हमरा भाई। वो सोता कहाँ है? रात भर हमारे दरवाजे के बाहर पहरा देता है। हमें नींद में चलने की बीमारी जो है ना। अच्छा तो ई बात है। और नहीं तो कहाँ, खाट खाली पड़ी थी, माँ कहती थी बेच दो, हम कहते थे रहने दो, भाई मरेगा तो उसे शमशान ले जाने के लिए काम आएगी। अब तुम आ गई हो तो हमने सोचा कि भाई को शमशान ले जाने तक तुम्हारे काम आ जाएगी, इसलिए उठा कर आया। पहुँचाएगा साला, तोरी तो शमशान पहुँचाएगा। अरे लाला, तुम कहाँ जूते पे मुंह मारने चले आए? अरे वो तोले की। अरे माफ करना, जूता हाथ से तो नहीं लगा? नहीं। आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? अकेले नहीं, फौज लाया हूँ, फौज। ये फौज कहाँ जा रही है? अपने अपने मर्दों की पिटाई करने। अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई। बहुत मारना, छोड़ा नहीं। बिजली बिजली प्यारी बिजली, बिजली 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 को लाऊंगा दुल्हन बना के, बिजली को लाऊंगा मैं जोरू बना के, बिजली को लाऊंगा। बोला राम। क्या बे? मैं तुझसे हजार बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कह रहा हूँ, और आखिरी बार के बाद जो बार आता है उस बार से कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा। अबे तेरा कौन सा रास्ता? रात को नींद में चलने वाला लकड़ भग्गा, तेरा कौन सा रास्ता बे? बिजली का रास्ता। बिजली? तेरा बिजली से क्या लेने देना बे? अरे मेरे भेजे की मलिका, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मेरे पेट की ठंडक। मेरे और क्या है रे? मैंने तुझसे कितनी मरतबा कहा बिजली का नाम लेने से पहले कुल्ली कर लिया कर, उसका नाम मैला हो जाता है, और जब वो तेरे सामने आया करे तो कालीन की तरह बिज जाया कर। वो तेरी होने वाली भाभी है। वो मेरी होने वाली भाभी नहीं, वो तेरी होने वाली भाभी है। देखा नहीं कितने प्यार से देखती है मुझे? तो क्या हुआ, हर भाभी देवर को प्यार से देखती है। अच्छा तो आज फैसला हो ही जाएगा कि वो किसकी भाभी है और किसकी बीवी है। मंजूर है, चलो आओ। देखा स्वामी, देखा तो हार निखट तू पिल्ले, कैसे आवारा कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। हाय दैया। दैया नहीं, ये बिजली का भैया है। ये कैसा दिख रहा है? क्या आदमी इतनी हल्दी गिरा दिया? ये तो अच्छा हो मेरे कपड़े खराब नहीं हुए, तुमको तो नहीं लगा ना? नहीं। बिजली का छोटा भैया, अब ये देखो बिजली का पीला भैया। क्या रे? क्या रे? भैया किसको बोलता है? अरे 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 अरे, कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? अभी तो नए बनवाए थे। हे भगवान, मैं क्या करूं इन बच्चों का।
बिजली आ गई तू? आजा आजा, आ तुम लोग भी आओ। भोला भैया, ए तेरे को बुला रही। आजा चलो। भोला भैया, हम आपको राखी बांधने आए हैं। अरे हाथ आगे बढ़ा ना। अरे तोला भैया कहाँ गए? अरे तोला, अरे वो इधर गया होगा, पकड़ के ले आओ उसे। बांधो उसको भी राखी। अरे, अरे, अरे देखो हमारी तबीयत बहुत खराब है, हम बहुत परेशान हैं। अरे क्या क्या कर रहे? अरे नहीं देखो, हाँ ये इतनी सारी राखी काहे के वास्ते? हाँ से ये सब तेरी बहने हो गई। ये चलेंगी, ये बिजली तो नहीं ना? हाँ? बिजली भी तेरी बहन हो गई, समझा? भाई का कान पकड़ते तेरे शर्म नहीं आती? चलो मैं अपने दूसरे गांव में जाके रहेंगे। अरे चुप रहे, कुछ भी बकता रहता है। चलो चलो दूसरे शिकार पे चलना है। संभाल के अपने पति को मत बांध देना। आराम।